माय नेम इज रिवा अरोरा एंड आप सब ने मुझे बहुत सारी मूवीज में देखा है. मॉम, हसीना पारकर, मर्द को दर्द नहीं होता, उरी. अभी मेरी हॉलीवुड फिल्म बेस्ट फ्रेंड्स रिलीज होने वाली है. मैंने नेटफ्लिक्स की है एज अ सोलो हीरो फिल्म, नेटफ्लिक्स की फिल्म काली कूही. अभी मैंने कारगिल गर्ल की है एज जानवी कपूर चाइल्डहुड. और अभी मैं मलंग करने जा रही हूँ एज अनिल कपूर डॉटर विद एंड विद आदित्य रॉय कपूर. और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा ये इंटरव्यू देखें जॉइंट फिल्म्स में. सो गाइज, हाउ्स द जोश? जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर. कलाकार की कोई उम्र नहीं होती, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है. और ऐसी एक कलाकार मेरे साथ है जिनका इंटरव्यू आप पहले भी दे चुके हैं, रीवा अरोरा का. वेलकम टू जॉइनफिल्म्स. अभी इनका सेकंड इंटरव्यू मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम करती हैं, इतना ज़्यादा नया अपडेट आ जाता है कि मुझे आपके पास बताने के लिए आना ही पड़ता है. रीवा, दोबारा जॉइनफिल्म्स में आके कैसा लग रहा है? हेलो जॉइनफिल्म्स, हाउ्स द जोश? ओके गुड, इनको बहुत जोश है. क्यों जोश है? कौन कौन सी नई फिल्में कर ली आपने अभी? अभी मैं कारगिल गर्ल कर रही हूँ जानवी कपूर का चाइल्डहुड करके. और अभी मैं अभी एक लीड हीरो सोलो फिल्म करके आई हूँ नेटफ्लिक्स के लिए, काली कूही. ओके. उसमें मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ कि मैं पूरे विलेज को बचाती हूँ. मैं हीरो अभी हीरो है, मतलब सेंट्रल कैरेक्टर पूरे विलेज को बचाती है. और अभी मैं मलंग कर रही हूँ अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर के साथ. और मैंने मॉम की है, हसीना पारकर की है, उरी की है, मर्द को दर्द नहीं होता की है. बहुत सारी फिल्म्स हो गई. बेस्ट फ्रेंड्स हॉलीवुड मूवी अभी रिलीज होने वाली है. ग्रेट. तो रिवा, इतना सब करने के बाद नॉर्मली ये सोचते हैं लोग कि ना फिर टिकटॉक की क्या जरूरत है, इंस्टा की क्या जरूरत है. तो आपको टिकटॉक में आने का क्यों मन किया? मेरा बहुत मन था टिकटॉक पे आने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगता था टिकटॉक. और अभी मेरे 2 मिलियन हाथ हो गए हैं टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे 33.2K फॉलोअर्स हो गया. सो मैं बहुत खुश हूँ. तो ये कहीं ना कहीं एक एक्टर के लिए, उसके प्रमोशन के लिए या फैंस से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं सोशल. यस yes. आपको लगता है आप फैंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं उसके थ्रू? मैं उनसे मतलब कभी लाइव जाके बात कर सकती हूँ, कभी वीडियो के थ्रू उनसे बात कर सकती हूँ. और ये जो लिबर्टी है या प्रिविलेज है आप कहोगे, ये पहले के एक्टर्स को अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये चीज़ें थी नहीं कि फैन से डायरेक्ट मिल सके. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो इसी वजह से ना सिर्फ नए लोग टिकटॉक पे जा रहे हैं या इंस्टा पे जा रहे हैं, बल्कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो भी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं. ओके. तो आप किस तरह के वीडियो बनाते हो उस पर? डायलॉग्स. रीवा, अभी ये जो नई चीज़ जुड़ गई है, तो पहले ही आप इतने बिजी थे फिल्म्स में, कमर्शियल्स में और सब चीज़ों में, अब टिकटॉक के लिए टाइम कैसे मिलता है? अभी तो मैं कर लेती हूँ टिकटॉक. पहले मैं मुश्किल से दिन में एक ही डालती थी. अभी तो मैं ड्राफ्ट्स भर के रखती हूँ, चाहे सेट पे 2 मिनट मिलते मैं डाल देती हूँ सारे. मतलब सेट पे जाके जब शॉट नहीं हो रहा है तब आप ये काम कर रहे हैं? मैं डाल देती हूँ कभी भी. कभी भी. ग्रेट. तो आपको लगता है कि अब जो आपका फैन बेस है या जो फॉलोअर्स हैं वो नया भी बन रहा है? इट मीन्स ये कि वीडियो कंटेंट तैयार जब आप करते हैं तो इन बातों में भी ध्यान रखते हैं कि क्या चलने वाला है, क्या आने वाला है. ग्रेट. तो मतलब आपको इधर उधर पता भी करते रहना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. थैंक यू रीवा, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. वेलकम. थैंक यू.